तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज चैटरिंग एंड सिमरिंग इन सेफ्टी वॉल्व, यानी कि सेफ्टी वॉल्व में चैटरिंग और सिमरिंग क्या होता है। तो देखिए, यह एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग आज डिटेल से समझने वाले हैं कि चैटरिंग क्या होता है और सिमरिंग क्या होता है, और चैटरिंग और सिमरिंग क्यों होता है सेफ्टी वॉल्व में, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि सेफ्टी वॉल्व में चैटरिंग और सिमरिंग क्या होता है। कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा सेफ्टी वॉल्व में अभी चैटरिंग हो रहा है या सिमरिंग हो रहा है, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यह एक तरफ से हमारा सेफ्टी वॉल्व का प्रॉब्लम होता है, सिमरिंग हो या चैटरिंग हो, एक तरह से हमारा प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस चैटरिंग को हिंदी में समझते हैं। अगर कोई आपसे पूछे चैटरिंग क्या होता है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि चैटरिंग का मतलब क्या है। तो देखिए, मैं इस चैटरिंग को हिंदी वर्ड एक है चटचटाहट। तो देखिए, चैटरिंग और चटचटाहट दोनों सिमिलर है। जैसे ही आपको चैटरिंग समझ में आए तो आपके माइंड में आना चाहिए चटचटाहट, यानी कि हमारा जो सेफ्टी वाल्व है ओपन क्लोज हो रहा है। यानी कि बहुत कहीं कहीं आप देखेंगे कि आपका सेफ्टी वॉल्व जो है बहुत तेजी से ऊपर नीचे, यानी कि ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चैटरिंग, यानी चट 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 का जो आवाज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैटरिंग, यानी कि हमारा चटचटाहट, यानी कि हमारा सेफ्टी वॉल्व ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है। तो ये किस वजह से ओपन या क्लोज होता है, यह एक तरह से हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि सेफ्टी वॉल्व का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि जब भी हमारा सिस्टम के अंदर अगर एक्सेस प्रेशर हो जाए तो उस प्रेशर को रिलीज करने का काम करता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि इस सेफ्टी वॉल्व को हम लोग एक डिजायर्ड पॉइंट पे सेट कर देते हैं कि उस पॉइंट पे जैसे ही आएगा तो ये सेफ्टी वाल्व पॉप कर जाना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का फ्री हैंड ड्राइंग किया है। तो इसको केवल समझने के लिए मैंने किया है, एक्यूरेट ड्राइंग नहीं है, बस इस ड्राइंग से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, इस ड्राइंग में आपको यहां से दिख रहा है, यहां से हमारा इनलेट है, यानी कि जो हमारा जो भी सिस्टम होगा उस पर हमारा सेफ्टी वाल्व ऐसे माउंट किया रहेगा, और यहां से हमारा जो भी स्टीम या जो मीडिया है, जैसे हम लोग अभी बॉयलर की बात कर रहे हैं तो हमारा मीडिया क्या है, स्टीम ही है, या अगर वाटर लाइन है तो वाटर होगा, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा स्टीम का प्रेशर इस पे अप्लाइड होगा, तो ये देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये होता है सीट, यानी कि इस पे हमारा जो सेफ्टी वाल्व का जो डिस्क है, ये रेड वाला क्या है, हमारा डिस्क है, वो आके बैठा रहता है, ये ऐसे चिपका रहता है, स्प्रिंग इस पे क्या है, लोडिंग दिया रहता है, यहां से हम लोग एडजस्टर रहता है ना। तो देखिए, सेफ्टी वाल्व का सेटिंग और सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रोसेस के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको इसका सेटिंग कैसे किया जाता है, हाई प्रेशर या लो प्रेशर पे सेट करना है, कैसे किया जाता है, वो सब आपको पता होगा। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे जो स्टीम का प्रेशर अप्लाइड होगा, तो ये जो हमारा जो डिस्क है ये ऊपर की तरफ उठेगा, यानी कि जो हमारा स्प्रिंग पे जितना हम लोग ऑलरेडी टेंशन दिए हैं उससे ज़्यादा अगर हम लोग प्रेशर इधर अप्लाइड करेंगे तो हमारा सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा, और यहाँ से हमारा, इधर से हमारा स्टीम जो है एस्केप हो जाएगा, यानी कि ये हमारा इनलेट लाइन हो गया, ये हमारा आउटलेट यानी कि डिस्चार्ज लाइन हो गया, ठीक है। तो हमारा मेन ऑपरेशन क्या है सेफ्टी वाल्व का, कि जब एक्सेस प्रेशर हो तो सेफ्टी वाल्व हमारा उड़ जाए और फिर यहां से हमारा जो स्टीम है वो एस्केप होना चाहिए, ये फर्स्ट प्रोसेस में है। लेकिन कभी कभी क्या इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेफ्टी वाल्व तो उड़ता है लेकिन तत्काल बैठ जाता है, फिर उड़ता है फिर तत्काल बैठ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग चैटरिंग बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, तो देखिए दो रीजन है। अगर ये जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, अगर हम लोग इसको पतला कर दें, यानी कि इसका जो डिस्चार्ज लाइन है वो हमारा अंडर साइज में हो, ठीक है, मतलब कि हमारा जो साइज है वो अंडर साइज है, हमारा इनलेट जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो जैसे स्टीम यहां पे निकल रहा है तो जितना स्टीम यहां से इनलेट होकर के यहां पे आ रहा है तो इतना हमारा स्टीम इधर निकलना चाहिए, लेकिन इसका जो साइज है वो क्या है, अंडर साइज है, तो यहां पे ये क्या करेगा, बैक प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी इधर टोटल स्टीम ना निकलने की वजह से, क्योंकि साइज जो है वो अंडर साइज है, डिस्चार्ज जो लाइन है वो अंडर साइज में है, तो वो क्या करेगा यहां पे बैक प्रेशर क्रिएट करेगा और फाइनली इसके ऊपर ऐसे प्रेशर अप्लाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारा सीट को, यानी कि जो भी हमारा ये सीट बोल रहे हैं, डिस्क को नीचे की तरफ बिठाने का कोशिश करेगा।
यानी कि इधर से हमारा जो स्टीम है इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पे जो हमारा बैक प्रेशर हो रहा है वो इसको दबाने के लिए, यानी कि डिस्क को दबाने का कोशिश कर रहा है। तो इस प्रोसेस में भी हमारा क्या होता है, चैटरिंग होता है, यानी कि जब स्टीम आया तो उठ गया, लेकिन बैक प्रेशर जब हुआ तो ये बैठ गया। तो ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होते रहता है अगर हमारा ये अंडर साइज रहे, यानी डिस्चार्ज जो लाइन है अंडर साइज रहे तो होता है। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि हमारा ये डिस्चार्ज लाइन अगर कम रहे तब होगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि देखिए यहां पे मैं दो यहां पे स्क्रू दिखा रखा हूं, तो ये हमारा ब्लो डाउन सेटिंग के लिए होता है। एक हमारा अपर ब्लो डाउन रिंग बोलते हैं, यहां पे दो रिंग रहता है, एक अपर ब्लो डाउन रिंग होता है, एक लोअर ब्लो डाउन रिंग होता है। तो सेफ्टी वाले वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से उसको मतलब एक्सप्लेन किया हूं। तो यहां से हम लोग क्या सेट करते हैं कि हमारा सेफ्टी वाल्व जब उठ गया तो कितना पे आके बैठेगा, यानी कि रीसेट प्रेशर कितना होगा, यानी कितना मतलब प्रेशर पे आके बैठेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा सेफ्टी वाल्व जो है वो 65 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे ये क्या हुआ, पॉप कर गया, यानी कि उठ गया और स्टीम हमारा यहां से रिलीज होने लगा। और हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो कितना आए कि हमारा सेफ्टी वाल्व बैठ जाए। तो हम लोग दिए इसको 60 केजी अगर हमारा प्रेशर आ जाए, जैसे कि हमारा ये सेफ्टी वाल्व उठेगा तो प्रेशर सिस्टम के अंदर तो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि स्टीम यहां से निकल रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो हम लोग इतना भी प्रेशर डिक्रीज नहीं करेंगे कि हमारा फाइनली प्लांट ट्रिप हो जाए। हम लोग क्या करते हैं कि एक अपना मतलब कि टॉलरेंट रखते हैं कि हमारा 60 केजी प्रेशर आए तो हमारा जो सेफ्टी वाल्व है वो बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा 5 केजी का जो डिफरेंस हुआ 65 टू 60 वो हम लोग यहां से सेट करते हैं। तो ये जो हमारा सेटिंग है अगर बहुत कम है, जैसे कि हम लोग इसको 63 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में सेट कर दिए, यानी कि ब्लो डाउन का जो सेटिंग है अगर वो कम रहे तो ये 65 पे तो उठ गया। ठीक है, यानी कि सेफ्टी वाल्व 65 जैसे प्रेशर आया तो उठ गया, लेकिन इसको क्या है, उठेगा तो इधर से स्टीम निकलने लगा तो उसका प्रेशर सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा ना। तो जैसे 63 केजी आएगा तो ये स्प्रिंग को हम लोग ऐसा एडजस्ट किए हैं कि 63 पे आके ये बैठ जाना चाहिए। ये ब्लो डाउन से हम लोग ऐसा सेट किए हैं कि जैसे 63 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आए तो सेफ्टी वाल्व बैठ जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 63 आया तो बैठ जाएगा, फिर हमारा सिस्टम के अंदर प्रेशर 65 आ गया, फिर उठेगा, फिर बैठेगा। ये मतलब कि अगर आपका ये जो ब्लो डाउन का जो सेटिंग है ना वो अगर कम रहे, यानी कि इनसफिशियंट ब्लो डाउन सेटिंग अगर रहे, तो भी आपका ये चैटरिंग का जो प्रॉब्लम है वो होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा चैटरिंग हो रहा है तो पहले हम लोग ये देख लेंगे कि हमारा ये जो साइज है वो सही है कि नहीं है। ये जनरली हम लोग का सही ही रहता है, ये कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जहां तक मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है वो होता है हमारा ब्लो डाउन का जो इनसफिशियंट सेटिंग होता है उससे। तो हम लोग देख लेंगे कि हमारा ब्लो डाउन का जो सेटिंग है कितना है, अगर कम होगा तो इसको हम लोग यहां से एडजस्ट कर सकते हैं और हम लोग इस चैटरिंग से बच सकते हैं। और दूसरा वर्ड जो है यहां पे सिमरिंग, तो सिमरिंग को हम लोग हिंदी में ऐसे याद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ओपन होना। सिमरिंग को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धीरे धीरे खुलना या धीरे धीरे खोलना कोई भी चीज को। तो यहां पे आप समझिए कि जैसे ही मान लीजिए कि हमारा सेफ्टी वाल्व जो है वो ओपन होने वाला है, यानी कि अपना जो भी सेट पॉइंट है उस पर पहुंचने वाला है, तब तक यहां से कुछ अमाउंट में जो स्टीम है वो, ये हमारा डिस्क है और ये सीट है, इसके बीचों बीच से हमारा स्टीम जो है यहां से निकलने लगा। ठीक है, पूरा वाल्व जो है हमारा, पूरा सेफ्टी वाल्व जो है पूरा ओपन नहीं हुआ है, जस्ट ओपन होने ही वाला है, तब तक हमारा यहां पे मतलब इतना स्टैटिक जो प्रेशर, यानी कि जो यहां से हमारा प्रेशर है वो इतना अप्लाइड हो रहा है कि इसको हल्का सा लिफ्ट कर दिया, हल्का सा उठा दिया और यहां से हमारा स्टीम निकलने लगा, यानी कि हमारा ऑडियोबल साउंड आने लगा। यहां से आपको सुनाई देगा, हमारा सेफ्टी वाल्व पॉप नहीं किया लेकिन फिर भी आपको सुनाई दे रहा है कि हाँ साउंड सुनाई दे रहा है, यानी कि सेफ्टी वाल्व से कुछ ना कुछ स्टीम निकल रहा है, या हो सकता है आपको साउंड से पता चल जाए, या हल्का हल्का स्टीम आपको जो इसका सेफ्टी वाल्व जो वेंट है वहां से आपको दिखे कि हाँ यहां से स्टीम थोड़ा थोड़ा निकल रहा है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिमरिंग, है ना। तो देखिए ये जो हमारा सिमरिंग है ना वो सेफ्टी वाल्व का बहुत बड़ा ये भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि हमारा स्टीम यहां से, सेफ्टी वाल्व पॉप नहीं किया लेकिन हमारा स्टीम यहां से निकलते रहा। तो ये जो हमारा स्टीम निकलते रहता है ये हमारा क्या करता है, एक तरह से लॉस करता है, यानी कि हमारा जो स्टीम बना उसका हम लोग यूटिलाइज ना करके वो क्या हो रहा है, यहां से लीक हो रहा है।
तो ये दो कंडीशन होता है, एक तो हमारा जस्ट ओपन होने वाला है सेफ्टी वाल्व, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा सेफ्टी वाल्व पॉप उठा, हल्का सा लिफ्ट किया और वहां से हमारा स्टीम निकलने लगा, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो है वो मेंटेन होने लगा। लेकिन एक और कंडीशन आता है कि हमारा सेट पॉइंट से पहले ही, यानी कि जैसे हमारा 65 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे हम लोग इसको सेट पॉइंट दिए हैं, लेकिन इससे पहले ही हमारा यहां से क्या हो रहा है, स्टीम निकलने लग रहा है। जैसे कि अगर आपका ये जो सीट है ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं, यानी कि जो सेफ्टी वाल्व का जो सीट है और हमारा जो डिस्क है, इसके बीच में कभी कभी हमारा मतलब कि क्या बोलते हैं पिट्स आ जाता है, छोटे छोटे होल्स आ जाते हैं, कैविटी हो जाते हैं। तो उस कैविटी की मतलब उस कैविटी के थ्रू हमारा स्टीम यहां से निकलने लगता है। यानी कि जब भी अगर आपका ऑडियोबल साउंड आपका डिस्चार्ज से मिले या कोई हल्का हल्का स्टीम पासिंग हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिमरिंग, यानी कि हमारा स्टीम का धीरे धीरे पास हो रहा है। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होता है, तो इसका दो कंडीशन है। एक पहला नंबर कि अगर हमारा सेफ्टी वाल्व का जो सेटिंग पॉइंट है, सेट पॉइंट है, उस पे आके अगर ये हो रहा है, तो उसका मतलब रीजन क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा उठा और हल्का हल्का स्टीम निकलने लगा। लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर हमारा सेट पॉइंट पे भी नहीं आया है, उससे पहले ही हमारा स्टीम निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिस्क है और जो हमारा सीट है, इसके बीच में हमारा गैप आ गया है, यानी कि इसके बीच में हमारा कहीं ना कहीं कैविटी या होल्स मतलब कैविटी या पिट्स वगैरह बन चुका है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर इसको पूरा प्लांट को शट डाउन कीजिए, इसको ओवरऑलिंग कर दीजिए, लैपिंग वगैरह करके जो भी कैविटी वगैरह है उसको हम लोग भर देंगे और उसके बाद हम लोग फिर से असेंबल कर देंगे। तो इस तरह से आसान भाषा में अगर बोला जाए तो चैटरिंग का मतलब चटचटाहट यानी ओपन क्लोज होना सेफ्टी वाल्व का, और ये क्यों होता है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सिमरिंग का मतलब होता है कि मतलब धीरे धीरे ओपन होना या धीरे से ओपन होना, यानी कि हमारा सेफ्टी वाल्व उठा भी नहीं है लेकिन हमारा स्टीम यानी कि ऑडियबल साउंड हमें सुनाई दे रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग सिमरिंग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि अच्छे से आपको चैटरिंग और सिमरिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।